हेलो बच्चों नमस्कार एंड आप देख रहे हैं यूपी क्लासेस प्रयागराज। भाई बहुत सारे बच्चों के मन में यह डाउट है कि सर यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो मेरे भाई वो आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, पद क्या होगा, आज इस थंबनेल के माध्यम से आपने देख ही लिया होगा और आज सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखिए भाई पहली चीज तो बता दे बच्चे कि अगर आप लोग अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हो इस चैनल को तो ठीक है, नहीं फॉलो कर रहे हो तो फॉलो करना शुरू कर दो, क्योंकि जितने भी अपकमिंग वैकेंसीज होगी, जितनी भी जानकारी होगी, वो सारी की सारी जानकारी इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाई जाएगी। और अब देखिए ये थंबनेल आप देख पा रहे होंगे कि सर आपको सोचा, आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा, सोच रहे होंगे कि सर यूपी पुलिस की भर्ती कब आएगी, आएगी या नहीं आएगी। अब समस्या इस बात की है, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर पद कितना होगा और योग्यता क्या होगी। भाई योग्यता क्या होगी, पद क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, उसका सैलरी कितनी होगी, सारी चीज सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और मैं बता दूं मेरे भाई कि अगर जो भी बच्चा फॉलो कर रहा है वही कर पाएगा भाई, क्योंकि अगर आपने अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यह करना है तो आपको पहले से तैयार होना होगा, पहले से तैयार होना होगा सिलेक्शन लेने के लिए। देखिए इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सिलेक्शन किस बेस पर होगा एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एज लिमिट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, फिजिकल क्राइटेरिया क्या होगा एंड एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, इनहैंड सैलरी कितनी आएगी, जॉब लोकेशन क्या होगा एंड जॉब प्रोफाइल, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो एक बार फटाफट सारे लोग तैयार हो जाइए इस चीज के लिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको इस वैकेंसी के बारे में, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जो हो रहा है भाई, पहली चीज तो बच्चों ये जो है ये ऑल इंडिया के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यह वैकेंसी यूपी से निकल रही है तो केवल यूपी का बच्चा ही इस वैकेंसी को देख सकता है, ऐसा नहीं है भाई। आप कोई भी स्टूडेंट्स हो, किसी भी राज्य के, किसी भी स्टेट के बच्चे हो, आप क्या कर सकते हो, आप इस वैकेंसी को देख सकते हो। देखो भाई इस वैकेंसी का जो मूल पद है मैं बता दूं, यह है भैया कॉन्स्टेबल एंड फायरमैन का, ठीक है। और यह ग्रुप सी पोस्ट से ऑल इंडिया वैकेंसी है, कहने का मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड टोटल वैकेंसी जो आ रही है वो कितनी है मेरे भाई, वो है 35,757 प्लस वैकेंसीज हैं, याद रखिएगा, जिसमें कॉन्स्टेबल के जो पद हैं भाई वो कितने हैं, 26,210 पद हैं। पीएससी के कितने हैं, 8,540 हैं, 8,540 है। एंड जो फायरमैन है भाई वो कितने हैं, 1,007 पद हैं, याद रखिएगा इस चीज को। तो इस चीज को भाई तैयारी के साथ जोड़ लीजिए, अपने जहन में इस बात को बिठा लीजिए, अब आपके डाउट खत्म हो जाने चाहिए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये वैकेंसी आएगी कब तक, फॉर्म हम लोग कब तक फिल करेंगे। देखो भाई मैं इस बारे में भी आपको आगे बताने वाला हूं वीडियो में, कब तक आएगी वैकेंसी ये आप देख पाएंगे। सबसे पहले देखिए भाई कि ये जो फॉर्म फीस है ये कितनी है, ये फॉर ऑल कैटेगरीज स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, सभी के लिए 400 है, सभी के लिए 400 रुपए है फीस। और याद रखिएगा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो और जम के तैयारी करना शुरू कर दो और पहले से तैयारी करना शुरू कर दो, और हमारे इस यूपी क्लासेस प्रयागराज पर बहुत जल्द वो भी बैच अनाउंस होने वाला है और बहुत जल्द उस बैच का आगाज करने वाले हैं हम लोग। चलिए आगे देखिए भाई, अगर हम बात करें एज लिमिट क्या होगी इस वैकेंसी की, तो मेरे भाई एज लिमिट की बात करेंगे तो ये होगी 18 से 22 वर्ष, ठीक है, यानी 18 to 22, यानी कि कहने का मतलब 18 से 22 साल है। एंड इसमें एज रिलैक्सेशन कितना होगा भाई, ये होगा 5 years फॉर ओबीसी के लिए, ठीक है, एंड 5 years फॉर एससी एसटी के लिए होगा। कितना है भाई, 5 years ओबीसी के लिए है एंड 5 years किसके लिए है भाई, एससी एसटी के लिए है, एंड 3 years किसके लिए है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है,
ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात करें बच्चे, तो इसमें मांग क्या रहा है आपका, 12th पास यानी कि इंटर मांग रहा है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसीजर का क्या होगा, देखो भाई आपके एग्जाम को सिलेक्शन करवाने तक जो जिम्मेदारी होगी सरकार की, वो आपसे क्या क्या लेगा। सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा, और ये एग्जाम होगा OMR बेस्ड, ठीक है ना, OMR पे बेस्ड आपका एग्जाम होगा। और ये एग्जाम आपका ऑनलाइन भी हो सकता है एंड ऑफलाइन भी हो सकता है, अभी ये फिक्शन नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसी में फिजिकल टेस्ट के बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड फिर आपका क्या होगा भाई, मेडिकल टेस्ट होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर मेडिकल टेस्ट में क्या क्या किया जाता है, तो मेडिकल टेस्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो भी बताने वाला हूं कि मेडिकल टेस्ट में किन चीजों की जांच की जाती है, किन चीजों को देखा जाता है। क्योंकि भाई जो भी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं वो तभी जान पाएंगे जब वीडियो के अंत तक बने होंगे, ठीक है। आगे देखो भाई, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस की एंड मार्किंग की, तो यह किस प्रकार से मार्क कर रहा है, किस प्रकार से इसका सिलेबस है। तो बच्चे सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है भाई जनरल अवेयरनेस, यानी कि GK एंड GS के क्वेश्चन है, जिसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 38 मतलब 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मार्क कितना कर रहा है, 2 पॉइंट मार्क कर रहा है, यानी कि मतलब भाई 38 का इंटू करेंगे 2 से तो कितना होगा, 76, यानी कि मैथ्स आपका कितने नंबर का है, 76 नंबर का है। फिर आपका सॉरी GK जो है कितने नंबर का है, ये आपका 76 नंबर का है। फिर मैथ्स कितना है भाई, मैथ्स भी आपका कितना है, 76 नंबर का होगा। और ये भी क्वेश्चन कितना होगा, 38 क्वेश्चन ही होगा। और रीजनिंग जो होगी मेरे भाई, ये आपका 37 होगा, यानी कि 74 नंबर की रीजनिंग होगी। और हिंदी जो होगा ये भी आपका 37 का है, एंड नंबर कितना है भाई, ये भी नंबर होगा आपका 74, यानी कि 74 नंबर का। और ये जो पेपर होगा मेरे भाई, ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा, एग्जाम आपका कितना होगा, 2 घंटे का होगा। एंड इसमें जो निगेटिव मार्किंग लगनी है वो जो 0.5 या इसके अप्रोक्स में होना है, ठीक है ना। और याद रखिएगा वैकेंसी में आपको मैं आगे ये भी बताने वाला हूं कि आपकी जॉब लोकेशन क्या होगी एंड आपकी सैलरी कितनी होगी। और सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, फिजिकल टेस्ट में होने क्या वाला है, यह बड़ा सरप्राइज है इस बार, क्योंकि इस बार आपके बहुत सारे बदलाव हुए हैं एग्जाम पैटर्न में भी और सारी चीजों में भी। तो सबसे पहले तो आपको बता दें जो मेल की रनिंग होगी, ये मेल की रनिंग कितने है भाई, 4800 मीटर रनिंग है, और कितने मिनट में, 25 मिनट में है, 25 मिनट में याद रखिएगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है भाई, 2400 मीटर रनिंग, और ये भी कितने मिनट में है, ये 14 मिनट में है। और हाइट की अगर बात करें मेल की, तो इसमें कितना है भाई, 168 सेंटीमीटर। और ST/ST के लिए भाई थोड़ी सी छूट है, जिसमें उनकी हाइट कितनी हो सकती है, 160 लेगा, याद रखिएगा। और हाइट फॉर फीमेल की अगर हम बात करें तो 152 सेंटीमीटर है, लेकिन ST/ST में कितना ले रहा है भाई, इस बार बहुत कम ले रहा है, 147 ले रहा है, ठीक है। और चेस्ट की अगर बात करते हैं मेल की, तो भाई 79 आप देखिए, वैसे तो जो आपका लेगा सिलेक्शन बेस जो होगा आपका वो 84 होगा भाई, ठीक है ना, 84 सेंटीमीटर। इसमें आपको क्या करना है भाई, 5 इंच आपको क्या करना है भाई, वो सीना को फुलाना रहेगा, और इसमें तब जाके आपका 79 से लेगा और 84 तक बनेगा, वहां पर आपका सिलेक्शन होना है। और ST/ST के लिए इसमें भी इस बार डिस्काउंट है, इसमें भी छूट है, और ये बड़ी छूट है। और इसमें क्या है भाई, 77 से लेके 82 सेंटीमीटर तक ही होने हैं। और याद रखिएगा इस चीज को, सिलेक्शन ले रहा है तो अभी से लग जाओ, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। देखो बच्चे, सबसे पहले तो यह जानिए इसका जो मेडिकल होना है, इसका जो मेडिकल होना है, मेडिकल की अगर हम बात करेंगे तो मेडिकल में इसमें क्या होगा, देख लो, उत्तर प्रदेश पुलिस SI सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल मेडिकल परीक्षा कैसी होनी है भाई। सबसे पहले तो आप देखो इमेजेस को, तो आपका जो पैर होगा भाई, ये समतल तलवे, आपके जो ये पैर होते हैं, पैर का जो निचला हिस्सा होता है उसका जो तलवा होना चाहिए वो कैसा होना, बिल्कुल समतल होना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी आंखें हो भाई, ये बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए, यानी कि एक जगह टिकी होनी चाहिए, इसमें भी होता है। एंड आपकी जो नशे होती है इसमें भी। और मैं बता दूं, मैं आगे वीडियो में यह भी बताने वाला हूं,
इसके बाद एक और नोटिफिकेशन मैं जारी करूंगा जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा, बहुत बच्चे टैटू के शौकीन होते हैं एंड कुछ भी हाथ में बनवा लेते हैं, तो क्या उससे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन से उस पर आपके क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी मैं उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। पर इस वीडियो में आपको सारी जानकारी इस बेस पर दी जा रही है, तो इसको समझिएगा आप लोग। देखिए फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई, वर्ण धात्रा होनी चाहिए उसके बाद की होगी कि नहीं होगी, सिलेक्शन इसके बेस पर भी होगा। एंड आपका बात करिए जो पैर होगा भाई, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए और ये टच नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए। तो भाई जिसका ये सारा कुछ फिट होगा, ठीक है, जिसके घुटने मिलते जुलते होंगे, सारे कुछ होंगे, इन सारी चीजों को देखकर आपका सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा इस चीज को। अब देखो अगर मैं बात करता हूं ये सारी चीजें, ये कमियां नहीं होनी चाहिए, ये आपकी कमियां गिनाई जा रही हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि फाइनल मेरिट किस पे बननी है, तो फाइनल मेरिट बनेगा कितने पर भाई, ये बनेगा आपका फाइनल मेरिट आपका बनेगा आउट ऑफ 300 मार्क्स, यानी बेस्ट एग्जाम मार्क्स है ये, ठीक है, इसके बेस पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। अगर हम बात करें आपके जो रेस है, आपकी जो रनिंग है, क्या उससे आपको नंबर मिलने वाला है, नहीं भाई, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें एक प्रकार का आपके पैरों में या ये कह लीजिए हाथों में ट्रांसमीटर लगा होगा, जिसमें देखिए पहले तो टोकन का सिस्टम होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आपके पैरों में हाथों में चिप द्वारा क्या एक कुछ अलग से यंत्र लगाया जाएगा, जो कि वो आपका माप लेगा कि आपने 4800 मीटर की रेस कंप्लीट की है या नहीं की है, जितना आपने किया होगा उतने का उतना उसमें रिकॉर्ड होकर लिख जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अगले लेवल की अगर हम बात करें, आपके सैलरी स्ट्रक्चर की बात डिस्कस करें, तो देखो भाई जो आपके ग्रुप सी पोस्ट का है, ये ग्रेड जो है ये नौकरी की, ये लगभग कितने हैं, 2000 है, तो आपको बेसिक पे कितना करना होगा भाई, बेसिक पे जो आपको होगा वो होगा 21,700, ठीक है, और इसका जो इनिशियल इनहैंड सैलरी होगी वो 30,000 होगी, क्योंकि इसमें कुछ अदर चार्जेस भी आपको जुड़कर पेड किए जाएंगे। और जैसी आपकी जॉब होगी, जिस प्रकार का आपका मेरिट होगा, मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होना है, और मेरिट के बेस पर ही याद रखिएगा कि आपका जो सैलरी है ना वो डिस्कशन किया जाएगा, वो आपको बताया जाएगा। अब आपके दिमाग में बहुत बड़ी चीज चल रही होगी कि सर हमारा जॉब प्रोफाइल क्या होगा एंड जॉब लोकेशन क्या होगा। भाई ऑब्वियसली अगर हम बात करें वैकेंसी यूपी की है, अगर यूपी की है तो जॉब लोकेशन क्या होगी वो यूपी ही होगी, जॉब लोकेशन क्या होगी वो यूपी ही होगी। एंड जॉब प्रोफाइल क्या है भाई, जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जॉब प्रोफाइल में सबसे पहली चीजें हैं जिसमें आप जिस तरह का देखिए, इसमें एक और होता है लोकेशन जो है ना, ये लोकेशन आपका कुछ और भी हो सकता है, लोकेशन आपका कुछ और भी हो सकता है, जैसे अगर कहीं और बाय द वे आपका सिलेक्शन हो जाता है पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो इसमें सैलरी कुछ ऊपर नीचे भी हो जाती है, कहने का मतलब यहां पर 21,700 ही सबको नहीं मिलता, यहां पर जैसे आप हेड कांस्टेबल के पोस्ट पे होंगे तो उसकी सैलरी थोड़ी सी अधिक होती है, ठीक है, कांस्टेबल की कम होती है, हेड कांस्टेबल की थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक भाई। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन किस बेस पर होना है, तो सिलेक्शन के लिए भाई आप जीतोड़ मेहनत करिए, अपना रनिंग कंप्लीट कीजिए, रनिंग के साथ साथ आप लोग रेगुलर पढ़ाई कीजिए। यूपी क्लासेस प्रयागराज आपके लिए बहुत ही अच्छा बैच लॉन्च करने वाला है यूपी पुलिस के, और एक बेहतर टीम के साथ, एनर्जी के साथ और लगातार कंटिन्यूटी के साथ आपके साथ जुड़ने वाला है, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। जितने भी मेरे भाई या बहन है सभी के लिए विश यू वेरी गुड लक, एंड आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए और जबरदस्त मेहनत कीजिए कि इस बार वर्दी आपको क्या करनी है, बदन पर लेनी है और लेनी है, सपना पूरा करना है आपका, अपना और आपके मां बाप का। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।